बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा व्लॉग है कि हम आपको दिखाएं पालतू जानवर परिंदे। ये आपके सामने रात होते हैं जो बोलते भी हैं। उनसे पूछो मियां मिट्ठू चूरी खानी है तो वो जवाब देते हैं मियां मिट्ठू चूरी खानी है, मियां मिट्ठू चूरी खानी है। ये करते हैं, दिखाते हैं, बोलते हैं। तो ये बहुत ही प्यारे प्यारे पैरट्स हैं। ये हम आप इनको चिप्स खिला रहे थे तो ये चिप्स भी खा रहे थे और जो है भी खा रहे थे। ये लेज खाते हैं ना, ये इसने लेज पकड़ी हुई है। आपको बताता चलूँ कि जो परिंदे पैट्स पाँव से पकड़ के खुराक खाते हैं वो हलाल जानवर नहीं होते, तो इसलिए ये पैरट्स ने अभी पाँव से पकड़ी अपनी लेज। ये भी देखें तो ये हलाल जानवर नहीं है। ये मटका लगा हुआ है जिसमें ये बच्चे देंगे और ये देखें वो उसमें जाएंगे और ये फिर अंडे देंगे और बच्चे और मुझे लगा। ये देखें ज़रा पास से देखें, ये पटके में मटके में रास्ता ढूंढ रहा है जिसका घर है। जब भी बारिश होती है तो इस पर चले जाते हैं, जब भी सोना होता है इस पर चले जाते हैं। ये भी पैरट की दूसरी किस्म है, इसको लव बर्ड कहते हैं। ये जो राइट साइड पे है ये फीमेल है और जो लेफ्ट साइड पे वो मेल है। तो ये फीमेल के नखरे भी आप देख रहे हैं, तो बहुत ही प्यारे ये पैट्स हैं। पैट्स एक और किस्म आपको दिखाते हैं। ये जी पिजन है, पिजन 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 सेट खो खो खो। ये जोड़ा है जी गुब्बारों का और ये वेरियस सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ पिजन्स हैं। ये जोड़ा है, अभी इनको हम खुराक डालेंगे तो देखें कैसे ये भाईचारे के साथ खुराक खाते हैं। ये इनके घोंसले हैं, अंडे देने के लिए इनके लिए बनाए गए हैं ताकि जब भी इनका अंडों का सीज़न हो तो ये प्रॉपरली अंडे दे सके। ये जी बड़ा जिन टाइप कबूतर है, ये हमने इनका बर्तन लिया, इसमें डाल रहे हैं खुराक। तो जब इसमें खुराक डालेंगे तो ये सारे ही आ जाएंगे। ये आ गए, इनको पता चल गया कि खुराक डल गई है तो ये आ गए हैं। इतने प्यारे लग रहे हैं वो माशाल्लाह। जो थोड़ा सा लड़ाका कबूतर लगता है वो दूसरों को, ये देखें ये नहीं दूसरों को खाने देता।
جیسے ہم انسانوں میں بھی ہوتی ہیں آتے ہیں کہ بھائی سارا ہم بھی کھا جائیں، اس طرح پرندوں میں بھی ہوتی ہیں یہ، لیکن زیادہ پرندے یہ دیکھیں، یہ تھوڑا سا اور خوراک ڈالی جا رہی ہے تو اب یہ وافر ہو گئی ہے تو سارے مل جل کے کھائیں گے۔ دیکھتے ہیں وہ لڑاکا کبوتر کیسے کھاتا ہے۔ چونکہ اب لڑاکے کبوتر کو لڑائی کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کافی خوراک مل گیا ہے تو اب وہ کسی سے نہیں۔ یہ جو اوپر ہے یہ لڑاکا ہے، یہ جو انڈوں پہ بیٹھی ہوئی فیمیل تھی وہ بھی آ گئی ہے تاکہ وہ بھی خوراک کھا سکے۔